अगर यह मांग आप लोग कर रहे हैं तो यह अभी मांग करिए कि जो पी के गाड़ी चलाएगा उसके ऊपर ये जुर्माना ऊपर भी होगा सर, ये जुर्माना होगा। सही है कि नहीं सही है? अगर कोई पी के गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर 10 लाख नहीं 20 लाख जुर्माना लगना है। घर से दे 10 लाख। आई तो टोपियो लगा लिए, कौन सा ये कौन टोपी है? भारतीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद। अरे बहुत सही, ये तो आज तो नेता निकल गए, ड्राइवर से नेता बन गए। ड्राइवर हम हैं। अरे इधर आइए, पहले इधर आइए भाई। किसान अभी आप थोड़ी देर पहले ड्राइवर थे, धन दे टोपी। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे ट्रक है और अगल बगल भी थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, ये ड्राइवरों का जाम है। दरअसल जो नया वाला नियम कानून आया है 10 लाख रुपये वाला, उससे ड्राइवर एकदम दहशत में है कि कहाँ से देंगे। सर हम आमदनी अठन्नी और जुर्माना लाखों में, काहे नाराज हैं? सर हम लोग, नाम क्या है? नाम मेरा रतनलाल है। क्या करते हैं? हम ड्राइवरी पेशा करते हैं और ड्राइवरी करके हम अपने माँ बाप को जिलाते खिलाते हैं, बच्चों को पालते हैं। और ये सरकार नियम लगाई है कि 10 लाख 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए जुर्माना। सर हम बताइए, 200-300 रुपए कमाने वाले और हम 7 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? 10 साल सजा है, उसके बाद सरकार हमारी माँ बाप को कौन देखेगा? हम कहाँ से लाएंगे? उसके अलावा और भी बहुत से मुसीबत हमको है सर, जनता की हमें जो है कि भलाई भी करते हैं, उसमें लात जूता भी खाना पड़ता है। तो ये सब मुसीबत सर हमको, ये अपनी सरकार अपनी जो है कि नियम अपनी वापस ले, मेरी ये मांगे हैं। गलत कर रही है, गलत कर रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? राजनारायण। राजनारायण, हाँ। तो ये बताइए कि ये जो नया नियम आया है उससे दुखी है? हाँ। इसीलिए जाम कर दिए? हाँ। क्या है नया नियम? नया नियम ये है, 10 लाख रुपया कहाँ से देबो? अपने घर से देबो? बोलो। 10 लाख की 7 लाख है? अपने घर से देबो 10 लाख। आई तो टोपियो लगा लिए, कौन सा ये कौन टोपी है? भारतीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद। अरे बहुत सही, ये तो आज तो नेता निकल गए, ड्राइवर से नेता बन गए। ड्राइवर हम हैं। अरे इधर आइए, पहले इधर आइए भाई। किसान अभी आप थोड़ी देर पहले ड्राइवर थे, धन दे टोपी लगा नेता। किसान है हम, किसान और ड्राइवर मेरा पैसा है और किसान के लिए लगाना कोई जुर्म नहीं है। क्या नाम है आपका? धनंजय द्विवेदी। क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं जी। आपको भी डर है कि कहीं हमारे भी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो 7 लाख जुर्माना 10 साल की? ये कब सबको डर है? ये तो सबके लिए, ये सबके लिए ना, ये तो सबके लिए, सबके लिए डर है। जो ऑटो चलाता है सबके लिए डर है। मोदी लगे सोचे कि हई बोला था, कि हई बोला था, कि हई बोला था, पारी पारा बोला। एक मिनट, आते हैं भाई, आते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या कह रहे थे? हम ऑटो चलाते हैं, हम लोग की मुसीबत ये नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन, ये बताइए। हम लोग 200-300 रोज कमाने वाले हैं और 7 लाख रुपए जुर्माना 10 साल की सजा, ये कहाँ हम भोगेंगे बताइए? इससे हम डंडा मिलता, उसके बाद डंडा जो मिलता। लेकिन अगर यह मांग आप लोग कर रहे हैं तो यह अभी मांग करिए कि जो पी के गाड़ी चलाएगा उसके ऊपर ये जुर्माना, ऊपर भी होगा सर, ये जुर्माना होगा। सही है कि नहीं सही है? अगर कोई पी के गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर 10 लाख नहीं 20 लाख जुर्माना लगना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए एकदम। ये देखिए सारे मोदी जी और योगी जी और नितिन गडकरी जी और अमित शाह जी लाइए अमेंडमेंट, लेकिन इन लोग की हालत भी देखिए। और ये लोग खुद कह रहे हैं कि अगर कोई पी के गाड़ी चलाता है, क्योंकि जो पी के गाड़ी चलाता है वो अपना जान भी जोखिम में डालता है और दूसरों का जान जोखिम में डालता है, तो जो पी के गाड़ी चलाए उसके ऊपर जो है जुर्माना लगाइए। लेकिन लेकिन ड्राइवरों को छोड़ा जाए? नहीं 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 सर, ड्राइवर यक्कड़ ड्राइवर नहीं, जो पीने वाले नहीं है को भी लगना चाहिए। अगर पी के चला रहे हैं गाड़ी तो ड्राइवरों को भी लगना चाहिए। ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे थे? हम ट्रक चलाते हैं। ये वाला ट्रक? हाँ, यही ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर हैं हम। अब बताइए, हम लोग का महीने में बहुत कमा लेते हैं, तो 10 से 15 हजार रुपये कमा लेते हैं महीने में। हम लोग का सैलरी मिलता है 4 हजार, इसमें से हम लोग 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? आप इसके बताइए, 7 लाख कहाँ से लाएंगे? ये बताइए, इसमें अमित शाह का फायदा है कि ड्राइवर का फायदा है कि मोटर मालिक का फायदा? आप ये बताइए किसका फायदा है इसमें? क्यों गाड़ी हम लोग चलाएंगे? क्यों गाड़ी चलाएंगे हम लोग इसमें किसका फायदा? आप बताइए, एक मिनट बताइए आप। नहीं अगर, नहीं अगर मांग पूरी होती है, बताएगा ऊपर लगे पहुंच जाएगी। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सारे ड्राइवर अयोध्या चले, वहाँ सन्यासी बना जाए। हाँ, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 22 तारीख को राम जन्मभूमि का उद्घाटन होना है। हाँ, तो वहीं पे चले, हम लोग भी सन्यास बनेंगे, ड्राइवर बाबा बनेंगे। हाँ,
योगी बाबा बनेंगे, क्या करेंगे भैया, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। या तो तुमने लोगों कैमरा चला ले, हमारा चले था दादा। अच्छा एक बात बताइए भैया जी, क्या नाम है? जैसे मेरा नाम आलोक पाल है। हाँ बताइए। और जैसे मतलब नियम जो निकला है, जो भी नियम निकला है, फिर उसमें ये भी कहा गया है कि मतलब अगर हो जाएंगे तो हम क्या उसका इलाज कराएंगे, आप बता दीजिए। उसमें जुर्माना तो बाद में है, पहले जनता हमको छोड़ेगी। ये जो लोग प्राइवेट गाड़ी कर रहे हैं, ये तुम लोगों का है क्या? उनके घर ड्राइवर नहीं चलता, उनका गाड़ी नहीं चलती। अरे भाई हम भी गाड़ी से चलते हैं, पता चले कोई पियकड़ा के हमारे गाड़ी में लड़ जाए तो हम क्या करेंगे? तो इस मामले में तो हम आपके साथ हैं सर, ये गलत है। माइक के साथ भी है वो, वैसे भी सर ये गलत है, ये सरकार ये गलत कर रही है। घर से समझ गए हमारे गाड़ी से चींटी तक न मरे कोई। चलिए तो सब मिला जुला के जो है, ये ड्राइवर संगठन है, ये ड्राइवर संगठन है, और ये सभी लोग जो है इस नए नियम से बेहद नाराज हैं, और ये लोग चाहते हैं कि ये जो कानून है ये ना आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो, क्योंकि इससे लोग की कमर टूट जाएगी और बहुत सारी दिक्कतें होंगी। लेकिन ये लोग इसलिए भी तैयार है कि यदि कोई पियक्कड़ गाड़ी पी के चलाता है तो उसके ऊपर पूरा जितना मर्जी उतना जुर्माना रखिए। लेकिन इस बारे में थोड़ा सरकार को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जय हिंद।